हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डे 24/7 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। टुडे इज़ अ 12th of March। आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। ऐसे एस्पायरेंट बैंक SSC रेलवे एग्जाम स्टेट एग्जाम ESIC RBI असिस्टेंट RBI ग्रेड भी है यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसकी तैयारी करते हैं, जहाँ पर करंट अफेयर्स एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, उसमें ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, प्लीज़ सेशन को आखिरी तक देखिएगा। आज एक बैंक के ऊपर भी RBI ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं। इरडाई में नए चीफ अपॉइंट हुए हैं, एक बतौर मेंबर भी यहां पर चुने गए हैं। काफ़ी कुछ है, दो स्टेट भी न्यूज़ में है। ओके, आखिरी तक सेशन को देखना। वी हैव MCQs, ओके, वन लाइनर MCQs भी हैं, स्टेटमेंट बेस्ड MCQs भी हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ, या आज के दो पॉजिटिव थाट क्या हैं। बिलीव इन योर सेल्फ वेयर यू आर गोइंग, इस लाइन को उड़ा दो, लास्ट वाली लाइन को हटा दो, जबरदस्ती का लंबा चौड़ा नहीं, याद रखना। बिलीव इन योर सेल्फ, ओके, बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव सिस्टम क्या है, बचपन की वो मेरे को एक कहानी याद आती है कि जब मैं और मेरा दोस्त था साइकिल चलाना सीख रहे थे, और वो मेरे को अपनी साइकिल से सिखा रहा था, तो वो मेरे को फील ये हो रहा था कि वो मुझे पीछे से पकड़ रखा, उसने पीछे से होता नहीं है, ठीक है, क्या बोलते उसे पीछे जो बैठने का होता है, कैरियर, तो वो कैरियर उसने पकड़ रखा था, ये मुझे फील हो रहा था, बट उसने नहीं पकड़ रखा था। बट मेरे मन में ये चल रहा था कि हाँ यार, मेरे दोस्त ने मेरे को सपोर्ट कर रहा है, वो है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। दिस इज़ व्हाट यार, दिस इज़ बिलीव सिस्टम। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपका कहीं पर भी बिलीव सिस्टम है ना मेरे दोस्त, मतलब आप समझना वो चीज़ रियलिटी में है कि नहीं, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आपका खुद पर बिलीव है, आप कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी कर जाओगे। इफ यू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, अगर आप अपने पे ट्रस्ट करते हो, नहीं है तो मेरे दोस्त थोड़ी देर के लिए आंख बंद करिए, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए, और ठंडे दिमाग से सोचिए ऐसा है कि नहीं है। अगर आप आराम से 10 सेकंड आंख बंद करिए और ठंडे दिमाग से सोचिए ऐसा है कि नहीं है, आंसर मिलेगा हाँ है। जिंदगी में आप जीवन में जो भी प्राप्त करते हैं, उसका सबसे डायरेक्ट जो रिजल्ट होता है वो आपके ही अनुसार पड़ता है, मतलब आप जो करते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो चाहते हैं उस हिसाब से। लेकिन इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है योर सेल्फ वाला, कि हाँ, बिलीव इन योर सेल्फ। इस जर्नी में ये वाला अब उतार चढ़ाव रहेगा, आप उठेंगे गिरेंगे मेरे भाई, होता रहेगा, ठीक है। आज हम लोग 12 तारीख को खड़े हुए, 1 से लेकर 12 तारीख तक सेशन में हम लोग बहुत बेहतर करते हुए आ रहे हैं। हो सकता है किसी दिन मेरे दोस्त मैं सेशन में कुछ वो चीज़ ना दे पाऊँ जो आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक आध दिन हो गया, तो ये चलता रहेगा मेरे दोस्त, ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, आपको अपने पे बिलीव रखना है, आपको अपने पे बिलीव रखना है कि आप बेस्ट हैं, आप बेस्ट देते रहेंगे। तो ये जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो बस जहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ नोटबुक है वहाँ लिख लीजिए, आई विल ऑलवेज ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ। और मेरे दोस्त, ये सिर्फ लिखने में नहीं रखना है, खुद पर रखना है। और खुद को कम मत आकिए, यू इवन डोंट नो वॉट यू आर। आईने के सामने खड़े हुई और खुद से कहिए कि जो मैं हूँ ना वो कोई और नहीं है, जो मैं हूँ आई एम अ बेस्ट, ओके, किसी और से कंपेयर नहीं करना। बट हाँ, मुझे हर दिन जो करना है अगले दिन मेरे भाई उससे बेहतर करना है। इस थॉट से काम करिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने पर ट्रस्ट रखिए, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट दो सेशन मैंने प्लान किए हैं। एक 12 बजे सेशन मैं लेने जा रहा हूँ, जो रहने वाला आपका इंपॉर्टेंट समिट का, तो जितने भी समिट लाइक G7, G20, ओके, आसियान SCO अपेक्स समिट हो गया, ठीक है, ब्रिक्स समिट हो गया, इवन और भी बहुत सारे समिट है जिनका मैं डिस्कशन करूंगा। लाइक कल मैंने एम्बेसडर आपको पढ़ाए थे लगभग 30,000 के आसपास, वो भी सेशन बच्चों ने देख लिया है। ये सेशन भी हम लोगों का इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, इस सेशन को भी आप स्किप नहीं करेंगे, ओके, प्लीज़ इसको स्किप मत करना। आज 12 बजे सेशन है, रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। और 12:30 बजे सेशन ये होने वाला है कि हाउ टू क्लियर SBI क्लर्क प्री एंड मेंस इन फर्स्ट टाइम, उसमें हम एलिजिबिलिटी से लेकर कट ऑफ से लेकर सैलरी, डिटेल्ड स्ट्रेटजी रहेगी, इसमें डिस्कस करेंगे। तो दो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, रेलेवेंट रहने वाले हैं, ये आज के लिए हैं, ये आज के लिए। कल का सुन लीजिए, कल सुबह 7 बजे वीकली MCQ होगा, कल सुबह 7 बजे तो वीकली MCQ है। और एक और मैं काम करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, सुबह 7 बजे बेटा वीकली MCQ है, और 9 से 11 हम लोग करेगा फरवरी मंथ कंप्लीट, 300 MCQ जो है उनको डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे हम लोगों ने जनवरी डिस्कस किया था, कल ही आपको जनवरी का भी PDF मिल जाएगा, फरवरी का फाइल भी। तो 9 से 11 का जो सेशन रहने वाला है फैब 300 प्लस MCQs का, ये भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्त ये तो कल के लिए है, ठीक है, टुमारो। और आज के लिए 12 और 12:30 बजे दो इवेंट होने वाले हैं, कल सुबह 7 बजे वीकली MCQ रहेगा, और उसके बाद बेटा 9 से 11 ये 300 प्लस MCQ रहेगा, ओके। और फिर 11 बजे आपको यहाँ पर जुड़ना है हमारे साथ, एक इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है मेरे दोस्त 13 मार्च सुबह 11 बजे, जिसमें कि
अड्डा के महोत्सव सेलिब्रेशन है और इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसमें स्किप मत करिएगा। फाइन, तो कुछ चीजें मैं समराइज कर देता हूँ क्या क्या रहने वाली है। आज 12 बजे एक मिनट का टाइमर लूंगा, फिर मैं न्यूज पे आता हूँ। आप लोग बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अरे सर क्या बातें कर रहे हो, सेशन आगे बढ़ाओ। बस एक मिनट की इन्फॉर्मेशन, 12 बजे आज सेशन है इंपॉर्टेंट समिट का, प्लीज इसमें जुड़ना। 12:30 बजे बैंक एग्जाम कैसे फर्स्ट अटैम्प में क्लियर करें, SBI क्लर्क मेरे दोस्त नोटिफिकेशन क्यों है इसलिए। और कल के लिए सुबह 7 बजे वीकली MCQ और 9 से 11 में मेरे भाई 300+ MCQ 5K डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम कल रात को मैंने 12 बजे सेशन लिया था स्टूडियो में आके ही। ओके, और ये 12 बजे सेशन में 10 या 11 मिनट का सेशन है। भारत ने पाकिस्तान पर एक मिसाइल दाग दी थी, सच में दिस इज रियलिटी। भारत की तरफ से पाकिस्तान का एक एरिया है मियां चानू, वहां पर मिसाइल दागी गई। क्यों, उसका क्या रीजन है, इससे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लीज इस सेशन को जाकर देखिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, और फाइन, इसके अलावा मेरे दोस्त प्राइम टेस्ट जो ऑफर है वापस आया है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारी एप्लीकेशन अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाइए या मेरे दोस्त विजिट करिएगा वेबसाइट पे, और टेस्ट में एनरोल कराने के लिए यू विल यूज कोड Y168S कोड। इसके अलावा कोई भी आपको प्रोडक्ट बाय करना, चाहे टेस्ट ही, चाहे आपका लाइव क्लासेस हो, कुछ भी हो, बैंक महापैक, SSC महापैक, अड्डा का महापैक, देन यू विल यूज कोड Y168। ओके, अब आते हैं जरा पहले और इंपॉर्टेंट, एक स्लाइड है ये, मैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये वाली स्लाइड, क्योंकि ये समिट होने वाले हैं। ये समिट सिर्फ एक हो सकता है, दूध के ऊपर जो मलाई होती है ना, सिर्फ उतना है, मैं उसको डेप्थ में समझाऊंगा आज आपको। तो आज 12 बजे का सेशन काफी रेलेवेंट रहने वाला है, जरा देखते हैं। अपेक समिट 2022 थाईलैंड होस्ट करेगा, 2022 वाला, इसी में हम लोग काफी कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ब्रिक्स समिट 2022 चाइना होस्ट करेगा, 2022 का G7 समिट जर्मनी होस्ट करने वाला है। ओके, आसियान समिट 2022 कंबोडिया होस्ट करेगा, SCO हेड्स ऑफ स्टेट का समिट उज्बेकिस्तान होस्ट करेगा, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का समिट चाइना होस्ट करने जा रहा है 2022 का, और G20 2022 समिट इंडोनेशिया होस्ट करेगा। इसी पर सेशन है और इसको मैं डेप्थ में और इतना कंप्लीट पढ़ाऊंगा कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर ना जाए। ओके, आते पहले और इंपॉर्टेंट सवाल पे, विद विच बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड 125 मिलियन लोन एग्रीमेंट, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ 125 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है टू हेल्प पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप। ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो गरीब और मेरे दोस्त कमजोर वर्ग है उसकी सहायता करने के लिए 125 मिलियन $125 का लोन ये किस बैंक के द्वारा भारत सरकार को दिया गया है। राइट आंसर बनेगा मेरे भाई वर्ल्ड बैंक। ओके, ये किसने दिया था, विश्व बैंक ने दिया था, वर्ल्ड बैंक। अब जरा ध्यान सुनिए, ADB मसत सुगु असकावा इसके प्रेसिडेंट हो गए। ओके, कुल मिलाकर 68 देश इसके मेंबर हो गए। मंडालू योंग मेट्रो मनीला फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर हो गया। इतने काफी अपने लिए, ADB मसत सुगु असकावा प्रेसिडेंट हो गए, 68 देश सदस्य हो गए, मंडालू योंग मेट्रो मनीला फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर हो गया। 68वां जो मेंबर है, 68th जो मेंबर है, इसका नाम है न्यू, इसका 68th मेंबर हो गया। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, डेविड मलपास प्रेसिडेंट हो गए, 189 कंट्री मेंबर हो गई, वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर हो गया यूनाइटेड स्टेट, एंड 189th कंट्री जो है इट इज नॉरू। ओके, नॉरू। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके प्रेसिडेंट अभी हाल फिलहाल बनाए गए हैं जिन लिक्विन है, हाल फिलहाल के दोबारा से रीअपॉइंट हुए थे जिन लिक्विन। कुल मिलाकर 105 इसके मेंबर है, 105। इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। कमेंट में आंसर करिएगा 105th मेंबर कौन सा बना है इसमें, 105th मेंबर। ओके, NDB मार्कोस प्राडो ट्राइजो इसके हेड है। कुल मिलाकर 9 देश इसके मेंबर है मेरे दोस्त। इसका हेडक्वार्टर संघाई में है, संघाई में, और इसके जो 9th मेंबर है इट इज इजिप्ट, इजिप्ट इसका लास्ट मेंबर है। IMF की बात करते हैं, इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ओके, शी इज फ्रॉम बुल्गेरिया, और इसके अलावा यहां पर इसके 190 मेंबर है मेरे दोस्त। हेडक्वार्टर इसका भी वॉशिंगटन DC में, और 190th मेंबर जो है वो एंडोरा है, एंडोरा। जरा मुझे इतना बता दो, AIIB का 105th मेंबर कौन है, AIIB 105th मेंबर मार्कोस प्राडो ट्राइज हो गया, AIIB इराक। चलो मैं ऑप्शन में लिखता हूँ दो चीजें, आराम से कमेंट में बता देना वीडियो कंप्लीट होने के बाद, इराक है या ईरान है, इन दोनों में से एक है। ठीक है, एक और होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ, 104th मेंबर भी बताना, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, दोनों ही साथ साथ बने थे। 104th मेंबर कौन है, 105th मेंबर कौन है। विश्व किडनी दिवस का विषय, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ओके,
किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ या हाँ किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये वर्ल्ड किडनी डे का विषय है। सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च इसे सेलिब्रेट करते हैं इस साल, इसको किस दिन मनाया गया? मेरे भाई आंसर बनेगा 10 मार्च को इसको मनाया गया था। ओके, 10th ऑफ मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। 3, 8, 10, 4 और 1, इस दिन कौन कौन सा डे मनाया गया मेरे भाई? 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे रहा, सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। ओके, 10 मार्च को ही CISF का रेजिंग डे रहा, तो 53rd रेजिंग डे रहा। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 7 मार्च जनऔषधि दिवस। ओके, 1 से लेकर 7 मार्च तक जनऔषधि वीक रहा था, जनऔषधि सप्ताह रहा था, और उसके आखिरी दिन 7 तारीख को जनऔषधि दिवस रहा। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे रहा, 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी आता है, ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस। 1 मार्च को आगे शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ओके, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, यून सुक योल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? यून सुक योल हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर 4, साउथ कोरिया। ओके, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धने पूरे कोटे करेंसी रूपी। ओके, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंग येन करेंसी वॉन, करेंसी वॉन। ओके, कनाडा कैपिटल ओटवा करेंसी डॉलर, साउथ कोरिया कैपिटल सियोल करेंसी वॉन, इंडोनेशिया कैपिटल मेरे दोस्त चेंज हो चुकी है, अब जकार्ता नहीं है, ठीक है, जरा बताइए। और करेंसी या रुपया, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितना इंपॉर्टेंट इंडोनेशिया रिलेटेड न्यूज है उसी ही में उसकी राजधानी और मुद्रा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। तो श्रीलंका श्री जयवर्धने पूरे कोटे करेंसी रूपी, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग वॉन, कनाडा ओटवा डॉलर, और साउथ कोरिया सियोल वॉन। इंडोनेशिया की कैपिटल बताइए, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या मेरे दोस्त? 700 मिलियन दिया, देखो 700 मिलियन की बात नहीं, यहां पर टोटल 500 मिलियन एक दिया है, 900 मिलियन एक अनाउंस हुआ था, ठीक है, 900 मिलियन अनाउंस हुआ था यहां पर फॉरेक्स के लिए, और 500 मिलियन श्रीलंका को इंडिया ने दिया था, ये फ्यूल के लिए दिया था, ठीक है, फ्यूल के लिए। बहुत बढ़िया, नुसंतारा, वेल डन मेरे दोस्त, इंडोनेशिया की कैपिटल है नई नुसंतारा, ठीक है, नुसंतारा, ये जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट, जरा समझना, मैंने 5-5, 6-6 देश ऐड कर दिए, मैंने ज्यादा नए ऐड नहीं करे, और जितने भी देश मैंने पढ़ाए उनमें से 5-5, 6-6 ऐड कर दिए, उनका रिवीजन कर लेंगे, सैटरडे भी है। टोगो की बात करते हैं, टोगो, इस देश को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने, भारत सरकार ने कुल मिलाकर 40 मिलियन यूएस डॉलर दिए थे। अब ये 40 मिलियन यूएस डॉलर टोगो को भारत सरकार ने, भारत सरकार के बिहार पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने क्यों दिए थे? वहां के 350 जो गांव हैं उनके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। सिंपल शब्दों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक या इंडिया के बिहार पर एक्जिम बैंक ने टोगो को 350 जो विलेजेस है वहां का इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 40 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है, काइन, क्लियर। इजिप्ट की बात करते हैं, न्यू मेंबर बना है ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और ये 9th मेंबर बनाया गया है। जापान ने अभी एक इनमार सेट करके 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया, आपको इतना याद रखना। इनमार सेट किस देश की सैटेलाइट है बेटा? जापान की है। जापान रिलेटेड एक याद रखना, इंडिया ने अभी करेंसी स्वैप अरेंजमेंट साइन किया था, फिर दोबारा से उसे कंटिन्यू किया 75 बिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है, 75 बिलियन यूएस डॉलर का करेंसी स्वैप अरेंजमेंट भारत का जापान के साथ रहा है। रॉस टेलर, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, भाई साहब अपने न्यूजीलैंड से है। क्विंटन डिकॉक ने भी अभी रिटायरमेंट लिया टेस्ट क्रिकेट से, ये भाई साहब अपने साउथ अफ्रीका से है। ओके, और इंडिया ने अभी अंडर 19 जो एशिया कप रहा था उसको जीत लिया था, इन्होंने श्रीलंका को हराकर जीता था, और ये इवेंट यूएई में रहा था। तो अपने लिए सारी चीजें क्लियर हो रही है यहां पर। इंडिया ने अंडर 19 एशिया कप जीता किसको हराकर? श्रीलंका को मेरे दोस्त। और ये याद रखना कि ये कहां पर रहा था? यूएई में रहा था। इसको डिप करा दे यार, ठीक है, डिप डिप डिप, पानी में डिप करा दे पहले, एक सेकंड रुकना यार दोस्त। ये तो जल्दी करा के ला, ठीक है, एक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखना। विच कंट्री इलेक्टेड अर्बन लॉयलिस्ट एज दी नेशन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? किस देश ने अर्बन लॉयलिस्ट को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना है? ओके, बाकी जरा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, राइट आंसर तो बनता है अपना ऑप्शन नंबर 3, हंगरी है। जापान की कैपिटल टोक्यो करेंसी येन, चाइना कैपिटल बीजिंग करेंसी युआन / रेनमिनबी, हंगरी कैपिटल बुदापेस्ट करेंसी फॉरिंट। ओके, कनाडा कैपिटल अगेन ओटवा करेंसी डॉलर, बांग्लादेश कैपिटल ढाका करेंसी टका। ओके, ढाका टका ढाका टका ढाका टका, जापान टोक्यो येन हो गया, चाइना बीजिंग युआन / रेनमिनबी, हंगरी बुदापेस्ट करेंसी यहां पर मेरे दोस्त फॉरेंट हो गई, कनाडा ओटवा डॉलर, बांग्लादेश यहां पर ढाका और टका। ओके, अब जरा समझना इसको, 5 देश और मैं ऐड कर दिया हूं यहां पर, उनको भी जरा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अब एक बच्चे ने मेरे से कहा सर इंडिया की जो रैंकिंग है वो तो अलग चल रही है, आप कुछ और अलग बता रहे हो। समझना, एग्जाम का क्वेश्चन बताता हूं, जो आप गलती करते हो ना एग्जामिनर को पता है कि तुम लोग कहां गलती करोगे। 2021 जब क्लोज हुआ, ऐसे सवाल आया था एग्जाम में कि 2021 जब क्लोज हुआ तो इंडिया की रैंकिंग क्या थी,
अब जब 21 क्लोज हुआ वो तो परिवर्तन होने से रहा, अब 22 में ही तो ऊपर नीचे बदलती रहेगी रैंकिंग। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की रैंकिंग, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अभी रैंकिंग जारी की थी और उसमें कहा कि जब 2021 क्लोज हुआ तो उसमें इंडियन मेंस हॉकी टीम का स्थान तीसरा था, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। और टॉप पर कौन सा देश यहां पर था, तो ऑस्ट्रेलिया था। आई होप यार गाइज मेरी बात समझ में आई होगी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की रैंकिंग आई और उसमें ये पॉइंट है कि जब 2021 क्लोज हुआ तो भारत का स्थान कौन सा था, तीसरा, और टॉप पर कौन है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बांग्लादेश की बात करते हैं। सैफ अंडर 19 वीमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप, ये बांग्लादेश में रही, बांग्लादेश ने इंडिया को हरा कर ये जीती थी। फाइन, साउथ कोरिया की बात करते हैं। एशियन चैंपियन ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट जापान को हराकर बांग्लादेश में इवेंट रहा और ये साउथ कोरिया ने जीता था। तो ये दोनों इवेंट है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी है, मेंस हॉकी टूर्नामेंट है, ये आपका बांग्लादेश में रहा था, जापान को हराकर साउथ कोरिया ने जीता। सैफ अंडर 19 वीमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप बांग्लादेश में रही थी और बांग्लादेश ने इंडिया को हराकर इसको जीता था। यूएसए की बात करते हैं। यूएसए ने अभी एक यूएसए क्यों न्यूज़ में, काफ़ी वजह है न्यूज़ में रहने की, उनमें से एक वजह ये भी है कि हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया, इसने मतलब इसकी एक लिस्ट आई थी जिसमें कि यूनिकॉर्न की लिस्ट एक दी थी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यूनिकॉर्न तो बढ़ गए हैं, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, अगर एज पर रिपोर्ट क्वेश्चन आ रहे तो आपको एज पर रिपोर्ट आंसर देना है। लाइक जैसे हम लोग कहते नहीं है कि एनडीबी ने, मतलब वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी बताई, आईएमएफ ने कितनी बताई, तो हमें ये मतलब नहीं जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी बताई जा रही है, हमें ये मतलब है कौन बता रहा है। इस बात को, पॉइंट को समझना, क्योंकि एग्जामिनर भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछने वाला है और एग्जामिनर भी यही पूछेगा कि फलाने फलानी संस्था ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत पर आंकी है। तो आपको याद रखना इतने फलाने फलाने ने फलानी फलानी आंकी है। अब वो फलाना कौन है, फलानी कौन है मेरे भाई, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अभी बता भी दूंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, यूनिकॉर्न मतलब जब कभी भी किसी भी संस्था का वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है, $1 बिलियन हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। जब किसी भी संस्था का वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होता है उसे हम लोग यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा कि इंडिया ने टोटल 33 यूनिकॉर्न एक साल में ऐड किए और टोटल मिलाकर 54 हो गए हैं, लेकिन टॉपर कौन है, दूसरे टॉपर यूएसए है। यूएसए ने न्यू 254 यूनिकॉर्न ऐड किए थे, टोटल मिलाकर जो कंपनीज है वहां पर उस लिस्ट में यूनिकॉर्न वाली में 487 हो चुके हैं। 487, क्लियर दोस्त, क्लियर है यहां पर सभी के भाई। सेशन पसंद आ रहा प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, ऑस्ट्रिया के जो कार्ल नेहमर ये नए चांसलर है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। चिली के गैब्रियल बोरिक, ये यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, उसका 102nd कंट्री आपका एंटीगुआ बारबूडा है। ये आई होप यार रट गया होगा तुम्हें। डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो वो तुर्कमेनिस्तान है। तो सिंपल है, ठीक है, एक बार देख लीजिए। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर, गैब्रियल बोरिक चिली के प्रेसिडेंट, यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट, 102nd कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंटीगुआ एंड बारबूडा। एंड तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं, भारत का समझौता डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में रहा है। अगला देखिएगा मेरे भाई, सेबी का होल टाइम मेंबर किनको अपॉइंट किया गया, राइट आंसर बनता है अश्विनी भाटिया को। ओके, अश्विनी भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड होल टाइम मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। अब माधवीपुरी वो चाहिए, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था मैंने, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट माधवीपुरी बुच हो गई। के एस मनी, पूजा जातिन, दीपक धर किस वजह से न्यूज में रहे, एनी आइडिया मेरे भाई। 100 आईएसए का 101 मेंबर यूएसए है, अच्छा, ओके, चलिए आगे बढ़ते की करके देखेंगे डिटेल में, जरा समझो क्यों किस वजह से कोई न्यूज में रहा है। के एस मनी की बात करते हैं, हम लोगों ने एक पढ़ा था एनसीडीएफआई मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किनका अपॉइंटमेंट हुआ है, के एस मनी। ओके, पैरा आर्चरी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप रही थी 2022, ये आपकी दुबई में रही थी पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, यहाँ पर इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन प्लेयर का नाम क्या है, पूजा जात्यान। ओके, पूजा जात्यान आर्चरी से संबंधित है। सेबी की फर्स्ट वीमेन चीफ का नाम है माधवी पुरी बुच, दीपक धर ये फर्स्ट इंडियन है जिनको कि वॉल्ड्समैन मेडल से सम्मानित किया गया, और इन्होंने ये मेडल शेयर किया था जॉन जे होफील्ड के साथ। क्लियर है मेरे भाई, डन। नेक्स्ट आगे, जे साई दीपक, इस वाली किताब को काट दो दोस्त, ठीक है, इस वाली किताब को काट दो, ये गलत लिखा हुआ है इसका आंसर।
ठीक है, ये वाली किताब काट दो। नेक्स्ट देखो, सौरभ चौधरी की बात करते हैं, इंडिया का फर्स्ट जो गोल्ड मेडल है वो ISSF जो वर्ल्ड कप रहा था अभी इजिप्ट के कायरो में, इजिप्ट के कायरा की बात करते हैं, इजिप्ट की राजधानी, ISSF वर्ल्ड कप वहां रहा, और इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था, सौरभ चौधरी ने। ओके, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के जो सेक्रेटरी जनरल है, इनका नाम है एच ई होलिन झाओ। आपने पूछी किसको, अरे यार फोकस कैमरे पे कर यार, ठीक है कंटेंट पे कर प्लीज, इतने इरेलेवेंट आंसर मत दो, ठीक है ठीक है। ऐसा होता हाथ में जब खुजली मस्ती, ऐसा होता या तो इसमें पैसा जाता है, इसमें पैसा जाता है, या किसी में आता है मेरे दोस्त, तो मैं हमेशा ऑलवेज कहता हूँ मेरे भाई जाए नहीं आए तो वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ एक आदत सी बनी हुई है, वो चलता चल रहा है और कुछ नहीं है। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के एच ई होलिन झाओ, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनका निधन हो गया, उनका नाम सुनीत फ्रांसिस रोड्रिगस। ओके, अब जरा देखना, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल इसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके चेयरमैन किनको बनाएगा, भूषण पटवर्धन। ओके, LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO कौन बने, TS रामकृष्णन, एंड जेट एयरवेज के CEO कौन बने, संजीव कपूर। डन मेरे भाई, संजीव कपूर। अब आप ये सोचना कि ये सेशन में अभी तक पांचवें सवाल तक पहुंचा, सवाल बनाने टाइम लगता, कल रात को मैं 12:30 तक तो स्टूडियो से गया हूँ, उसके बाद रात के 2:30 तक तो काम किया, और ज़्यादा ही टाइम हो गया, फिर सुबह उठ गया, फिर ढूंढ रहे न्यूज़ एंड ऑल। आज तो मैं इतना एग्जॉस्टेड था, मैंने कहा सेशन लूँ ना लूँ, मैंने कहा नहीं यार भाई, मार्च 1 तारीख से बढ़िया चल रहा है, एक भी दिन सेशन को छोड़ेंगे नहीं, भले न्यूज़ MCQ जैसे भी पढ़ाओ बट सेशन जरूर होगा। बट आई होप, मुझे लगता नहीं किसी तरीके की आपको कमी देखने को मिल रही होगी सेशन में। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली पुट अ सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 इनटू ऑर्बिट, या यू कैन नूर या नूर 2 किसकी सैटेलाइट है दोस्त, नूर ये ईरान की सैटेलाइट है, प्लीज मुझे बता सकते हो ईरान की करेंसी क्या है। ओके, देखो जैसे नेपाल की कैपिटल काठमांडू करेंसी रुपी है, ओमान की कैपिटल मस्कट करेंसी रियल है, ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी बतानी है आपको, यूक्रेन की कैपिटल कीव करेंसी रिवनिया, ओके करेंसी रिवनिया यहाँ पर, रशिया कैपिटल मॉस्को करेंसी रुबेल, ओके ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा जरा देख लेते कौन क्यों किस वजह से न्यूज़ में रहा था। अभी इंटरनेशनल एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया था, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, और इस इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जो भारत है वो 43rd नंबर पर रहा था, और इसमें टॉप पर बेटा USA रहा था। टॉप 5 कंट्रीज की बात करते हैं तो US पहले पे था, दूसरे पे UK था, तीसरे पे जर्मनी था, चौथे पे स्वीडन था, पांचवे पे फ्रांस रहा था, और इसको US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा डेटा जारी किया था। बहुत बढ़िया। तोमन, ये जरूर याद रखना। अब ईरान की करेंसी रियल नहीं है, यहां पर तोमन है, ओके तोमन है, ठीक है क्लियर दोस्त, तोमन। अब जरा यहां पर आते मुद्दे की बात पर दोबारा से, जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रहा, इंडिया 43rd प्लेस पे हो गया, US ने टॉप किया था, पहले पे US, दूसरे पे UK, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे स्वीडन, पांचवे पे फ्रांस, ये याद रखना, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया गया। अगला, 19th एडिशन ऑफ US इंडिया US मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग मेरे दोस्त आगरा में रही थी, ओके। अब 12th ICC वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है, जर्मनी की एक कंपनी है फॉक्सवैगन, और फॉक्सवैगन इंडिया के जो चेयरमैन बनाए गए उनका नाम है क्रिश्चियन शैंक। शेन वॉन का निधन हो गया, ऑस्ट्रेलियन स्पिनर, ओके। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, कल भी पढ़ाया था, विश्व बैंक के 5 भाग होते हैं, उसमें से एक मीगा, और मीगा में वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन जुनैद कमल अहमद बने, जो कि बांग्लादेश के, जुनैद कमल अहमद जो कि कहां के, बांग्लादेश के। जापान के साथ एक भारत ने बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट किया है $75 बिलियन का, आई होप यार क्लियर होगा, ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला देखते हैं। भारत के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का संचालन किस शहर में शुरू हुआ, ये राज्य सरकार के साथ साझेदारी में फिक्की महिला संगठन द्वारा प्रचारित किया गया है। कहने का मतलब ये कि इंडिया का पहला 100% वीमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क का ऑपरेशन कहां पर शुरू हुआ है, जो कि प्रमोट किया जा रहा है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर। कल दोस्त सेशन में जुड़िएगा, आज चलिए आज की बात कर लेते हैं पहले, आज 12 बजे का सेशन है इंपॉर्टेंट समिट, जितने भी शिखर सम्मेलन है महत्वपूर्ण 2022 में होने वाले हैं उनको प्लीज भूलिएगा नहीं, उसको जुड़ना, एक एक करके सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे जितने भी समिट, और 12:30 बजे डिस्कस करने वाले आज हम लोग बहुत बेहतरीन सेशन की, हाउ टू क्रैक SBI क्लर्क इन फर्स्ट टाइम, प्री प्लस मेंस की तैयारी कैसे करें उसकी डिटेल्ड स्ट्रेटजी। उसके अलावा मेरे दोस्त कल सुबह 7 बजे वीकली MCQ होगा, और कल ही 9 से 11 में हम लोग फरवरी मंथ के 300 MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है
वो एक प्रॉपर सेशन रहने वाला हमारा। राइट आंसर बनता है यहां पर हैदराबाद। ओके, हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब जरा सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ शहर है पुराने, इनको मैं रिवाइज करा रहा हूं, मंडे ऑनवर्ड्स आपको इसकी एक नई लिस्ट देखने को मिलेगी। मुंबई की बात करते हैं, 2023 का जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन है मुंबई होस्ट करेगा। सिंधुदुर्ग एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में प्रपोज किया गया है। हरियाणा का गुरुग्राम में फर्स्ट हेली हब बनाया जा रहा है देश का। चंबा, ये दोस्त सौवा हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जल जीवन मिशन के तहत, ये क्वेश्चन एक एक एग्जाम का है। हैदराबाद तेलंगाना में देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम बना है, और हैदराबाद में मेरे दोस्त वीमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाया गया। ओके, केरल का कोची में इंडिया की पहली सिटी जहां पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है। असम का गुवाहाटी में 9th एडिशन रहा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का। और दोस्त एक और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश ने 4 अपने गांव हैं जो कि नेपाल बॉर्डर से लगे हुए हैं, उनको रेवेन्यू विलेज घोषित किया। इन गांव के नाम याद रखने आपको मेरे दोस्त, भवानीपुर, टेडिया, धकिया, बिछिया। ओके, बिछिया, ढकिया, टेडिया, भवानीपुर, फिर दोबारा सुनिएगा, भवानीपुर, टेडिया, ढकिया, बिछिया, ये दोस्त उत्तर प्रदेश के 4 गांव हैं जो कि नेपाल बॉर्डर के पास, इनको रेवेन्यू विलेज घोषित किया गया। ओके, गुजरात का नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का नाम है केवड़िया रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। डन मेरे दोस्त, क्लियर है इतना सभी के? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन कहां पर, गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, इसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। नेक्स्ट आगे, जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है रायसी डिस्ट्रिक्ट, रायसी डिस्ट्रिक्ट में भी एक गांव है जैरी हैमलेट विलेज, और ये फर्स्ट मिल्क विलेज बना जम्मू कश्मीर का, फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके, फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू कश्मीर। बेंगलुरु की बात करते हैं, तो बेंगलुरु में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया, किसके लिए, AVGC के लिए। अब AVGC क्या है, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बात को ध्यान से सुनना, जब मैं लिखाकर पढ़ा रहा था तब भी तुम लिख रहे थे, जब मैं यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ तब भी तुम लिख रहे हो, तो फिर फायदा क्या हो रहा मेरा लिख कर देने का? सर आपको कैसे पता? अरे भाई रग रग से वाकिफ हूँ, प्लीज फोकस कर लो, लिख रहे हो ना, मैं तुमसे भी 4 चीज़ें पूछ लूंगा तुम भूल जाओगे। जब मैं पेड क्लासेस में कैमरा ऑन करके पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो वहाँ पर मेरे को सारे बच्चे दिख रहे होते हैं कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं, तो मैं एक एक मिनट नज़र रखता हूँ, तो मैं क्या फील करता हूँ कि वो क्या करते हैं ना, वो मेरे सुनने के साथ बोलने के साथ साथ नोट्स बनाते चलते हैं, और उनमें से मैं एक को अनम्यूट किया और मैंने गलती से पूछ लिया मेरे भाई क्या, तो उनको ब्लैंक होते हैं, वो ब्लैंक होते हैं, नोट्स बनाकर क्या कर लिया मैंने, क्या कर लिया नोट्स बनाकर, कुछ नहीं, सब यहां का खेल है मेरे भाई, बहुत बड़े लेवल पे यहां का खेल, समझो जरा चीजों को, हाथ बांध के बैठ जाकर सत्यनारायण की कथा चल रही है सुनते रहो। PDF दे तो रहा हूं, नहीं दे रहा PDF, बंद कर दू PDF देना, जब लिखना ही है तो PDF क्यों देना, समझो मेरे भाई, समझो जरा, ठीक है, तुम्हारा काम आसान करने के लिए खुद का काम बढ़ाता हूं, और खुद का काम आसान कर दूंगा तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, सेशन उसमें भी बहुत जबरदस्त होगा, कम नहीं होगा कंटेंट वाइज, लेकिन समझो जरा, ठीक है, भूल जाते हैं, नहीं लिख रहे भाई, अरे आपके लिए नहीं कह रहा, 2-4 है मेरे भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टॉन टैग। ओके, टॉन टैग एक कम्युनिकेशन एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, इसने भी हाल फिलहाल वॉइस से, ओके, वॉइस से एक UPI डिजिटल पेमेंट शुरू किया है, वॉइस से UPI डिजिटल पेमेंट शुरू किया है। NPCI के साथ मिलकर, किस बैंक के साथ मिलकर, वॉइस UPI डिजिटल पेमेंट एक तरीका मेरे दादा जिससे आप पेमेंट कर पाएंगे, ये किसने शुरू किया, टोंग टैंग ने, किस बैंक के साथ मिलकर। राइट आंसर बनता है मेरे भाई NSDL पेमेंट बैंक। अब यार इससे रिलेटेड मैं थोड़ा नहीं पढ़ाऊंगा, बैंक रिलेटेड न्यूज तुम्हारे लिए होमवर्क है, ढूंढिएगा, आज हम लोग 12 तारीख पे खड़े, जितने भी बैंक अभी तक हम लोगों ने मार्च में पढ़े उसका कंपाइलेशन आपको आज कमेंट में लिख के देना है, या खुद से मेरे भाई पढ़ना, आप इतना काम करना, देखिए खुद से पढ़ लेना मत कमेंट में दे देना, क्योंकि उसमें तो तुम्हें समय लगेगा, खुद से पढ़ लोगे बस मेरे लिए वो संतुष्टि है। अब आते हैं नेक्स्ट आगे, नूर वाला, ये तो हो गया यार, ये तो रिपीटेड है, इस पे आते हैं, इस वाले सवाल को करो, फिर आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर बढ़ते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग, काट देना इसको, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं, यहां पर आएगा आपका NAFID के कॉन्टेक्स्ट में, NAFID के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ NAFID कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, NAFID क्या है सर, ये 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, NABARD के बाद, NHB के बाद, SIDBI के बाद, ठीक है मेरे दोस्त, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, NABARD, NHB, SIDBI के बाद, NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इन 4 के बाद 5वां जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना है ये कौन सा बना है अपना, यहां पर NAFID, KV कामत साहब इज अ चेयरपर्सन ऑफ NAFID, ये दोनों ही करेक्ट है अपने, जो ये NAFID है इसको राष्ट्रपति जी ने 28 मार्च 2021 को अपनी स्वीकृति दी थी, और बाद में ये अप्रैल 19 2021 से लागू भी हो गया,
NAFID shall be regulated and supervised as an all India financial institution. इसको all India financial institution के तौर पर supervise और regulate किया जाएगा, और ये दोनों काम करने का किसके पास अधिकार है? Reserve Bank of India के पास. ये भी mention कर दिया कि RBI Act 1934 के section number 45 और 45N के तहत supervision और regulation का यहाँ पर काम किया जाएगा. ठीक है, क्लियर. जितने भी aspirant जुड़े हैं जिनके समझ में नहीं आ रहा, उनसे मेरी गुजारिश है कम से कम 3 दिन session को देखिए, या ये हफ्ता पूरा का पूरा उठाकर आप देख लीजिए, आपके खुद ब खुद चीज़ें समझ में आने पड़ेगी. लेकिन सिस्टमेटिक ऑर्डर आज अगर 12 तारीख है तो फिर 13 और 14 का देखना, तब आपके समझ में आएगा. 11 का देख रहे हो तो फिर 12 का देखो, समझना. तरीका ये है मेरे दोस्त, अब अगर 12 का देखोगे तो 11 की न्यूज़ में पढ़ा चुका हूँगा. 1 तारीख से शुरू करें तो 1 देखो, 2, 3, 4, 5 ऐसे कंप्लीट करना. हर तरीका एक हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है, उसको पढ़िए. अगर ऐसा भी नहीं करना तो आज 12 तारीख है, कल 13, 14, 15 आराम से 3 दिन जुड़िए, तब चीज़ आपके समझ में आने लगेंगे. 1 दिन में नहीं समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको. लेकिन 3 दिन में नहीं आएगा, इस बात की भी गारंटी दे रहा हूँ. कैसे नहीं आएगा मेरे भाई, आएगा ना. अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे. हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ लंदन बेस्ड मैरिलेबन क्रिकेट क्लब? लंदन स्थित मैरिलेबन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है बेटा क्लेयर कॉनर. ओके, ये इंग्लैंड के क्लेयर कॉनर. ग्रेग बार्कले, ये किसके हेड है? सर ये आईसीसी के हेड है, ग्रेग बार्कले. ओके, जॉफ एलरडाइज, ये आईसीसी के सीईओ हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. जियानी इन्फेंटिनो, सर ये फीफा के प्रेसिडेंट है, फीफा के जो फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है फीफा, उसके प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो. नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ये किसके? सर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के. तो एफआईएच के हेड है एनडी बत्रा, नरेंद्र ध्रुव बत्रा. ओके, जियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के हेड हो गए. जॉफ एलरडाइज सीईओ आईसीसी. क्लेयर कॉनर मैरिलेबन क्रिकेट क्लब के हेड हो गए, यहाँ पर प्रेसिडेंट हो गई हैं. ग्रेग बार्कले बेटा आईसीसी के हेड है, डन, आईसीसी के चेयरपर्सन है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं. टाइगर वुड्स वॉज इंडक्टेड इन टू वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, वह किस देश से हैं? तो दोस्त ये आपके अमेरिका से हैं. कहाँ से? अमेरिका से. ओके, अब आते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर, बट उससे पहले 1 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा देर का वक्त नहीं लूँगा आपका. आज मेरी वॉरियर में क्लास होने वाली है. ऐसे दोस्त मित्र जितने भी जो 2022 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जिनका सपना बैंकर बनने का है, या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है, बैंकिंग अवेयरनेस आता है, उसके लिए बैच मेरा बना हुआ है. इसके लिए आपके पास अड्डा 24/7 एप्लीकेशन है. अड्डा 24/7 हमारी वेबसाइट होनी चाहिए. वहाँ मतलब वेबसाइट पर आप जाएंगे, लॉग इन करेंगे, वॉरियर 1.0 बैच में एनरोल कराएंगे. इसकी प्रोसेस सिंपल है, बैच को सेलेक्ट करिएगा, सर्च करिएगा लाइव क्लासेस में जाके, लाइव क्लासेस में जाके बैच लिखेंगे वॉरियर 1.0. 2 से 4 इसकी क्लास होने वाली है. आज बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की मेरे दोस्त 4थी क्लास होने वाली है. ठीक है, 4th क्लास डिस्कस करेंगे, 2 से 4 में एक क्लास होगी. इसको स्किप मत कर देना गलती से भी. ओके, ये आपके मेंस से लेकर इंटरव्यू तक आपको हेल्प करेगा. इसके लिए कोड यूज करेंगे, यू विल यूज कोड Y168. अगर आपके पास ये बैंक फाउंडेशन बैच है तो ये इसमें एडेड है मेरे दोस्त, या इसके अलावा आपके पास बैंक महापैक या बैंक महापैक प्लस है तो उसमें भी इस बैच को ऐड किया गया है, जिसका नाम है बेटा वॉरियर. या बैंक महापैक एंड बैंक महापैक, ये सब मेंबरशिप होती हैं, इसमें आपको सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिलते हैं. एंड में डिटेल में समझाता हूँ उसके बारे में. कोड याद रखना Y168. ओके, नेक्स्ट, आज का पहला और इम्पॉर्टेंट, थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाय लोकसभा सेक्रेटरीट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर स्पोर्ट्स इन न्यू दिल्ली. अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, इसका एडिशन इंपॉर्टेंट है, इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट है. 2019 से शुरू हुआ था, फर्स्ट भी हुआ, सेकंड भी हुआ, अब थर्ड एडिशन हो रहा है. फर्स्ट और सेकंड की तो थीम मेंशन कर दी थी, इसकी थीम ना मेरे को PIB पे मिली ना न्यूज ऑन एयर पे मिली, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार और देखूंगा, थीम मिली तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में. अभी के लिए रेलेवेंट इतना है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल. ओके, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का थर्ड एडिशन, ये कहां पर होगा? आपका नई दिल्ली में, इसे याद रखना. नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल न्यू एडिशन, थर्ड एडिशन, ये नई दिल्ली में होगा. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा भी इसे ऑर्गेनाइज किया रहा है. तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स कौन देख रहा है? मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है मेरे भाई अनुराग ठाकुर. ये आपके इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, प्लस इसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं. हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद हैं, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से ये सांसद है. ओके, क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, अगला सवाल देखना. टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया, फर्स्ट एडिशन ऑफ NYPF वॉज ऑर्गेनाइज इन 2019. और NYPF का जो फर्स्ट एडिशन रहा था 2019 में रहा था. ओके दोस्तों, कल जो सेशन होने वाला है 9 से 11 का, प्लीज उसे स्किप मत कर देना, सुबह 9 से 11. ठीक है, ये मैं पूरा कंप्लीट फरवरी मंथ आपका डिस्कस करूंगा, फरवरी मंथ. ठीक है, आपके होने से बहुत सारी चीज़ों का रिजल्ट मुझे पता चलेगा कि हाँ, अगर आप लोग अच्छे तरीके से प्रेजेंट रहते हैं,
तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ओके, सच में आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कोशिश करें कल 9 से 11 AM जो हम लोगों का, कल संडे है, कल रविवार है, फिर भी मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, सुबह 7 बजे वीकली MCQ डिस्कस करूंगा और 9 से 11 में फरवरी कंप्लीट मंथ 300+ MCQ डिस्कस करूंगा। इस सेशन को स्किप मत कर देना कल, ओके, रिमाइंडर सेट कर लेना, इवेंट लग चुका है। नेक्स्ट मेरे भाई, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने क्या किया है, एक वीमेन एट द रेट वर्क करके प्रोग्राम लॉन्च किया। अब एग्जाम में सवाल आएगा वीमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम किसका है, तो ये कर्नाटक सरकार का। और इन्होंने क्या किया है कि 5 लाख जॉब को विद इन 2026 यानी 2026 तक वीमेन को एम्प्लॉयबल स्किल के साथ 5 लाख जॉब देने के लिए ये एक प्रोग्राम है वीमेन एट द वर्क, ये शुरू किया गया है, ओके। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है बोसमराज एस बोमई और इसके जो गवर्नर है इनका नाम है थावरचंद गहलोत। बोसमराज एस बोमई की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी अभी GST रेट को लेकर, जो GST की स्लैब है 5%, 18%, 12%, 28%, उनको क्लब करने को लेकर, उनके रेशनलाइजेशन को लेकर, ओके। तो GST रिलेटेड कमेटी, बोसमराज एस बोमई हेड है, बोसमराज एस बोमई मुख्यमंत्री कर्नाटक के, कर्नाटक वीमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया है तो 26 तक 5 लाख जॉब प्रोवाइड करने के लिए, ओके, ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अंसी बंदीपुर बनरघट्टा कुदेरमुख नागर होल ये नेशनल पार्क है, क्लियर इतना सभी के। नेक्स्ट अगला देखना, मनोहरलाल खट्टर साहब की बात करते, बजट प्रेजेंट करने के दौरान इन्होंने एक यहां पर अवार्ड ही अनाउंस कर दिया, उस अवार्ड का नाम है सुषमा स्वराज अवार्ड, ओके, अपनी जो फॉर्मर विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नाम से यहां पर अवार्ड लॉन्च किया, सुषमा स्वराज अवार्ड। असल में हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और सुषमा स्वराज अवार्ड इनके द्वारा अनाउंस किया गया फॉर वीमेन फॉर देयर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ इन द इंटरनेशनल नेशनल स्पेयर। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा ये अवार्ड अनाउंस किया गया जिसका नाम है सुषमा स्वराज अवार्ड, ओके, क्लियर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है इसके गवर्नर कौन है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहीं पर है, भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी यहीं पर है, इन दोनों को अभी रामसर साइट के रूप में भी चुना गया था, रामसर साइट, ओके। रामसर क्या है सर, जितने भी वेटलैंड होते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए एक ट्रीटी है, रामसर ट्रीटी, और उसके तहत हर देश से कुछ साइट को चुना जाता है उन वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, तो रामसर साइट के रूप में यहां पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चुना गया था। गवर्नर का नाम क्या है मेरे भाई, हरियाणा के गवर्नर मनोहर लाल खट्टर इज अ मुख्यमंत्री, बंडारू दत्तात्रेय, वेल डन मेरे भाई, बंडारू दत्तात्रेय। टोटल मिलाकर देश में रामसर साइट कितनी हो चुकी है, 49, ओके, 49, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट अगला, अब एक रेटिंग एजेंसी, इसका नाम है क्रिसिल, यहां वर्ड यूज किया, डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, इसका क्या कहना है कि जो आने वाला वित्तीय वर्ष है यानी कि 22 और 23, उसमें भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर इतने प्रतिशत रहने का अनुमान है। असल मायनों में ये जितनी भी रेटिंग एजेंसी होती है, लाइक क्रिसिल है या इकरा है, ओनिकरा है, या यू कहें आपका ADB है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये अपना अनुमान तो देते हैं कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर इतने प्रतिशत रहेगी या उतने प्रतिशत रहेगी, लेकिन असल में जो कैलकुलेट करने का काम है वो NSO का है। NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हमारा एक मंत्रालय जिसका नाम है MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मंत्रालय का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, और उस मंत्रालय के तहत एक संस्था आती है उसका नाम है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वह भारत की GDP की गणना करती है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है, और ये जितनी भी संस्था लाइक क्रिसिल, ADB, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब बताते हैं इतनी रह सकती है, तो ये प्रोजेक्शन करेंगे और कैलकुलेशन का काम NSO का है। अब जरा समझते हैं कि क्रिसिल ने कितना प्रोजेक्शन किया है। क्रिसिल जो कि एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी, इसका क्या कहना है, पहले फाइनेंशियल ईयर को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, फाइनेंशियल ईयर यहां पर मेंशन किया है 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 7.8% रहने का अनुमान है, 7.8%। इन्होंने आगे एक शब्द और इस्तेमाल किया कंपेयर करते हुए कि जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रहा था, इकोनॉमिक सर्वे रहा था, उसके अनुसार कहा गया कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है इट विल बी 8.5%,
मतलब समझिएगा ये 22-23 की बात कर रहे हैं, जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, अभी आप जिस वित्तीय वर्ष में खड़े हो वो 21-22 है, 22 का भी मार्च अंत नहीं हुआ मेरे भाई, मार्च 31 तक आप 21-22 फाइनेंशियल ईयर में, उसके बाद आप जिस फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे वो होगा 22 और 23। तो इनका कहना इस इन शब्दों पर मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, यही गड़बड़ करते। जैसे अभी मैं बताऊँ, RBI ने कहा इंडिया की GDP ग्रोथ रेट रहेगी 9.2% 21-22 में, ठीक है 9.2%, ये याद रखना है। NSO ने कितनी कही है जरा प्लीज बता सकते हो? NSO ने अपना पूर्वानुमान चेंज कर दिया है और NSO ने क्वार्टर थर्ड की भी ग्रोथ रेट बताई है, जरा प्लीज आंसर दीजिए। NSO ने अभी हाल फिलहाल क्वार्टर थ्री की, जनवरी अप्रैल मई जून जुलाई का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये वाला क्वार्टर है मेरे भाई OND, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें इंडिया की GDP ग्रोथ रेट कितनी बताई है, कितनी प्रतिशत रही है, और NSO ने कहा कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ रेट इतने प्रतिशत रहेगी, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ रेट इतने प्रतिशत रहेगी। RBI का 22-23 के लिए क्या प्रोजेक्शन है? RBI का 22-23 के लिए प्रोजेक्शन है मेरे भाई, यहां पर लिख लेना 7.8%, ठीक है 7.8% RBI का हो गया। यहां पर आपको बताना है NSO का, NSO का 21-22 के लिए कितना है, 21-22 के लिए NSO का कितना है 8.9, वेल डन, ये 8.9 कंप्लीट हो गया 8.9, और क्वार्टर फोर की कितनी थी? क्वार्टर फोर मुझे ही नहीं दिख रहा क्या, 5.4% मेरे पास, 5.4%, ओके वेल डन दोस्त, तो 5.4% हो गई लास्ट वाले क्वार्टर की, और जो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रोजेक्शन किया 8.9%। एग्जाम में NSO की GDP ग्रोथ रेट पूछी जा चुकी है, RBI की ये सब भी पूछी जाए। अब क्रिसिल पे आ जाता, क्रिसिल है क्या भला? क्रिसिल जिसको पहले बोलते थे क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग, ठीक है इसको जरा ध्यान सुनिएगा, ये आपको क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पहले नाम होता था, ये एक इंडियन एनालिटिकल कंपनी है जो कि रेटिंग रिसर्च रिस्क पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज देती है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट बनेगी। ये एक अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल, उसकी सब्सिडरी है S&P ग्लोबल, ठीक है S&P ग्लोबल की सब्सिडरी क्रिसिल है ये, ठीक है। क्रिसिल फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, जिसको इंट्रोड्यूस किया था 1988 में ICICI UTI इन दोनों ने यहाँ पर, और फिर बाद में SBI LIC यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं दोस्त, अप्रैल 2005 की बात करते हैं, US बेस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ने इसमें मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया था, इसलिए उसकी सब्सिडरी बन गई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, MD & CEO का नाम अमीश मेहता है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? ठीक है, क्रिसिल वॉज फर्स्ट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, इंट्रोड्यूस 1988 बाय ICICI UTI जॉइंटली विद शेयर कैपिटल कमिंग फ्रॉम SBI LIC यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। डन, डिटेल में भी यहां पर दे दिया, आई होप आपके क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कंप्लीट डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रहा है, ओनली योनो, योनो की फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन, ओके। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने प्लान किया है कि वे कंप्लीट डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा, ओके, एंड इट्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म योनो को एज अ ओनली योनो के रूप में इसे रिवैम्प करेगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ओनली योनो किस बैंक का एक कंप्लीट डिजिटल बैंक बनने जा रहा है दोस्त, इट इज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। SBI 1955 में बना था, दिनेश कुमार खरा इसके चेयरमैन है, और SBI एक रिपोर्ट जारी करता है, इसका नाम है इको रैप रिपोर्ट, ओके, इको रैप रिपोर्ट, इसको भी याद रख लेना, क्लियर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने अभी हाल, देखो ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, देश में जितनी भी आपकी रेगुलेटिंग बॉडीज हैं, जैसे लाइक IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर। पेंशन की बात करते हैं, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पेंशन के लिए है। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इंडिया का पूरा रिटेल पेमेंट कौन देख रहा है? NPCI, बट ये रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है, ठीक है। ये अपनी चार रेगुलेटिंग बॉडी है, सेबी कैपिटल मार्केट का, मनी मार्केट का RBI हो गया, पेंशन का यहाँ पर PFRDA होगा, और इंश्योरेंस का IRDAI हो गया। इनमें से मैंने एक उठा लिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने? देवाशीष पांडा। तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी, फॉर्मर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी देवाशीष पांडा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे पहले जो चेयरमैन थे इसके, वो सुभाष चंद्र खुंटिया साहब थे, उनका अभी 1 मई को रिटायरमेंट हो गया है, लास्ट मई में। IRDAI 1999 में बना था, हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। डन मेरे दोस्त, क्लियर है?
आज 12 बजे के सेशन को स्किप मत कर देना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, समिट वाला सेशन है, इंपॉर्टेंट सेशन है, ओके। यूट्यूब पे ही आपका रहेगा। इसी में एक और अपॉइंटमेंट रहा था, जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, उन्होंने एक अपॉइंटमेंट किया राकेश जोशी का। राकेश जोशी को यहाँ पर होल टाइम मेंबर बनाया IRDI का। IRDI में बात करते हैं तो टोटल मिलाकर 10 मेंबर की एक बॉडी है, जिसमें एक चेयरमैन है, 5 होल टाइम मेंबर है, 4 पार्ट टाइम मेंबर है। तो टोटल मिलाकर इसमें 10 मेंबर है, 10 में भी एक चेयरमैन हो गए, 5 यहां पर होल टाइम मेंबर हो गए और 4 यहां पर पार्ट टाइम मेंबर हो गए। तो होल टाइम मेंबर के तौर पर IRDI के राकेश जोशी को यहां पर अपॉइंट किया गया है। डन, IRDI कंप्लीट होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ICICI बैंक ने क्या कहा है कि जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, अब एक बार के लिए जरा तसल्ली से सुनना, ये है क्या? आप लोगों ने ARC का नाम सुना, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का? नहीं सर, नहीं सुना। बहुत सारे होंगे एस्पायरेंट जिन्होंने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप लोगों ने मूवीज वगैरह तो बहुत देखी होंगी। मूवीज वगैरह देखते हो? अरे सर बहुत मूवीज देखते हैं, आप किसकी बात कर रहे हो? साउथ की मूवीज है एक जिसमें रघु रोकड़ा है, नाम सुना रघु रोकड़ा? अरे वाह क्या बात है, करंट अफेयर पूछिए तो नहीं है, रघु रोकड़ा है। हाँ सर सब देख रखा है। चलिए छोड़िए, आप लोगों ने मूवीज वगैरह देखी होंगी। मूवीज वगैरह में क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ अपने लिए ना कुछ अलग अलग बाउंसर को हायर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड का कोई काम कर रहा है, अब क्रेडिट कार्ड का काम कर रहा है तो उसने पेमेंट लेना होता है। बहुत सारे लोग माशाल्लाह इतने महान होते हैं कि पेमेंट उधार ले तो लेते, देने के टाइम पर मेरे भाई उनकी नानी याद आ जाती है, देते नहीं। अब उनसे पैसा मंगाने के लिए कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद लगाना पड़ेगा, तो वो अपने बाउंसर भेजेंगे, पहले उनको कूटेंगे तोड़ेंगे फिर मेरे भाई पेमेंट लेकर आएंगे। ये मूवीज वगैरह में देखा, तो मैं रघु रोकड़ा का एग्जाम्पल दे रहा था, वो सीख लेता। अब जरा समझने की कोशिश करना, इसका काम क्या है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। इससे एग्जाम्पल से लिंक नहीं, बट हाँ एग्जाम्पल के नेचर से लिंक है। जो बैंक होते हैं वो लोन देते हैं, अब वो लोन जिन लोगों को देते हैं वो लोग माशाल्लाह बहुत मस्त है, वो पैसा लौटाते नहीं है, और वो लोन बन जाता है NP नॉन परफॉर्मिंग असेट। एक बैंक है, उसे बैंक ने लोन दिया और वो लोन जब नहीं रिकवर होता है, लोन इज अ असेट ऑफ बैंक, और एक असेट जो कि परफॉर्म करना बंद कर देती है, तो वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है, NPA बन जाता है। क्लियर है? अब जब उसकी रिकवरी की बात होती है, बैंक अपने सारे प्रयास करता है कि भाई रिकवर हो जाए। अब बैंक से रिकवर नहीं हो पा रहा तो बैंक क्या करे? बैंक के लिए तो वो पैसा ही नहीं पा रहा, बैंक करे क्या मेरे भाई? बैंक पहुंचता है, ए भाई सुन ना मेरा पैसा दे ना, मेरा पैसा दे ना। वो कहता नहीं दूंगा, फिर बैंक पहुंचता है मेरे भाई घर, समझना यही सीन है। बैंक कहता है ए भाई मेरा पैसा दे ना, ए भाई मेरा पैसा देना। बैंक फिर वो कहता है कस्टमर नहीं दूंगा। अब बैंक क्या करे भाई, रिकवरी नहीं कर पा रहा, रिकवर नहीं कर पा रहा। तो रिकवरी के लिए यहाँ पर NARCL को बनाया गया, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये बैंक के NPA को रिकवर करने का काम करेगा। अब आप सोचेंगे सर इसमें बैंक का क्या फायदा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, खुद से रिकवरी हो नहीं पा रही मेरे दोस्त, तो फिर यहाँ पर NARCL को अपना NPA सोल्ड करेंगे। फिर ये NARCL क्या करेगा, ये रिकवरी का काम करेगा। ओके, इसी NARCL में 5% स्टेक ले लिया ICICI बैंक ने। ओके, ICICI बैंक ने इसमें कितना परसेंट स्टेक लिया मेरे भाई, यहाँ पर तो जरूर याद रखना, ICICI बैंक ने 5% का स्टेक हिस्सेदारी ली है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं, NARCL क्या है, नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके चेयरमैन के तौर पर जिनका अपॉइंटमेंट हुआ, जो इसके चेयरमैन बनाए गए, इनका नाम है बेटा प्रदीप शाह। ओके, और जो MD एंड CEO बनाए गए इनका नाम है पदम कुमार नायर। पदम कुमार नायर MD एंड CEO बने हैं, चेयरमैन का नाम बेटा प्रदीप शाह है। ओके, NARCL इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के तहत इसको बनाया गया। RBI ने इसको लाइसेंस दिया था एज अ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। NARCL को बैंक के द्वारा सेटअप किया गया, किस चीज के लिए, मतलब सेटअप बाय द बैंक फॉर स्ट्रेस असेट ऑफ देयर सब्सिक्वेंट रिजोल्यूशन। सिंपल शब्दों में जो भी बैंक के लोन है, जो NPA डिक्लेयर कर दी गई स्ट्रेस असेट है, उनके दोस्त रिजोल्यूशन के लिए, उनकी रिकवरी के लिए। जो पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे उनकी हिस्सेदारी इसमें 51% रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर क्या कहा है, जैसे देखना, जो NARCL लोन लेगा उसमें से कहा है इन्होंने कि 15% तो कैश में देगा और 85% जो वो देगा वो एक रिसिप्ट में देगा, उसको नाम दिया कि सिक्योरिटी रिसिप्ट में। अब सिक्योरिटी रिसिप्ट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गारंटी दी है वो 30,600 करोड़ रुपए की दी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गारंटी है वो कितनी है, 30,600 करोड़ की, जो कि सिक्योरिटी रिसिप्ट को बैक करेगी, जो कि NARCL के द्वारा जारी की जाएंगी। किस चीज के लिए, जो भी बैंक से वो लोन खरीद रहे हैं उनके लिए, यहां पर जो यूनियन कैबिनेट ने यहां पर अप्रूव कर दिए हैं, ठीक है, जो स्ट्रेस लोन असेट जो अप्रूव कर दिए गए हैं उनको एक्वायर करेगा NARCL, और NARCL जो भी एक्वायर करेगा उसके लिए अगेंस्ट में वो सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी करेगा, और वो सिक्योरिटी रिसिप्ट को बैक करने के लिए गवर्नमेंट ने यहां पर कितना अमाउंट दिया, 30,600 करोड़ रुपए। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे। ओके, NARCL का ये याद रखना कि अभी इन्होंने जो प्रपोज किया है कि कितने की असेट को एक्वायर करेंगे, तो 2 लाख करोड़ का यहां पर अभी फेजेस में टारगेट किया गया है। ठीक है,
बैड बैंक भी यही, हाँ जी इसी को बैड बैंक कहते, यही एग्जाम का क्वेश्चन था, ठीक है, यही एग्जाम का क्वेश्चन था मेरे दोस्त, यही बैड बैंक कौन है, यही NARCL बैड बैंक है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बोल दिया कि आप नए कस्टमर ऐड नहीं कर सकते। तो आप अगर पेटीएम पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट है मेरे भाई, आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो, थोड़ा रुकिए, क्योंकि RBI का कहना है पेटीएम पेमेंट बैंक को कि अब हम आपके इमीडिएट इफेक्ट से नए कस्टमर को ऐड करने के जो राइट है उनको अभी होल्ड करते हैं, आप अभी नहीं इनको जोड़ सकते हैं। RBI ने वैसे इसको लेकर कोई भी रीजन डिस्क्लोज नहीं किया है, बट RBI का एक सेक्शन है जिसके तहत ये एक्शन लिया गया है। तो दोस्त जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 35A है उसमें, या 35A सेक्शन के आधार पर RBI ने ये सारा डिसीजन लिया है कि हाँ भाई तू पेटीएम पेमेंट बैंक अभी नए कस्टमर को ऐड नहीं कर पाएगा, बट क्लियर मेंशन कर दिया कि हम कोई रीजन अभी यहां पर नहीं देना चाहते हैं। ओके, वैसे काफी बातें लिखी हुई हैं, सर रीड कर सकते हो, बट RBI ने जो कहा मैं वो बात आपको बता रहा हूं। पेटीएम पेमेंट बैंक 2015 में तो ये फाउंड हुआ था, इसको लाइसेंस मिल गया था, लेकिन इसको लॉन्च 2017 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसके CEO का नाम सतीश कुमार गुप्ता है। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है 197 कम्युनिकेशन। क्लियर मेरे भाई? दोस्तों 5000 लाइव चल रहे हैं और लाइक अभी भी 2800, कैसे काम चलेगा? लाइक कर दो प्लीज यार, लाइक बढ़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भगवंत मान टू टेक ओथ एज द न्यू PS पंजाब CM। यार इस बंदे को मैंने देखा ना, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, काफी वायरल हो रही है, नवजोत सिंह सिंधु कॉमेडी नाइट में, जो भी उस टाइम शो चल रहा था, मेरे दोस्त जज हैं और भाई साहब वहां पर सामने स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो जिंदगी में मेरे दोस्त मिरेकल कभी भी हो सकता है, प्रयासों को कम मत करिए, प्रयास करते रहिए, मेहनत 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 करते रहिए। लक की तो बहुत ज़रूरत है, बट फिर भी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, जो हमारे लिए प्राइमरी है, वो हमारे लिए मेहनत करना, मेहनत करते रहिए। आपको नहीं पता कल कैसे दिन कब पलट जाए, कब यूटर्न लाइफ में आ जाए, तो मेहनत को कम मत करिए, हर दिन प्रयास बढ़ाते चलिए, कल की अपेक्षा आगे बेहतर करिए। आई डोंट नो कल क्या नया हो जाए मेरे भाई, तो मिरेकल हैपन एवरीडे। ओके, भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बिल्कुल अलग। आम आदमी पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री करी और उसमें मुख्यमंत्री पंजाब के CM जो होंगे भगवंत मान रहेंगे। ओके, हम लोगों ने 5-5 करके देश पढ़ना शुरू किया है, जरा इसमें आते हैं। कनाडा की कैपिटल ओटवा है, करेंसी डॉलर है। कैमरून की एक कैपिटल याउंडे, करेंसी फ्रैंक। कंबोडिया कैपिटल नॉम फेन पढ़ते इसको लोग हम लोग, और करेंसी रियल। एंड ब्रुंडी कैपिटल गितेगा, करेंसी फ्रैंक। एंड बेटा बुर्किना फासो कैपिटल ओगा डुगू, करेंसी फ्रैंक। इको नहीं है, पहले बदलने वाली थी फिर नहीं बदली, फ्रैंक। किसी भी देश की राजधानी याद करनी, वही CCC रूल से हम याद करेंगे। अब जरा समझिएगा, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट अपडेशन आप लोगों के लिए क्या है वो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आज जो सेशन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ 12 बजे का सेशन इंपॉर्टेंट समिट का, इसको स्किप मत करना, मत करना। इवेंट लग चुका है, रिमाइंडर सेट कर लो, नोटिफिकेशन आए ना आए आपको आना है भाई। बहुत मेहनत करके सेशन बना रहा हूँ, कल भी एम्बेसडर का बनाया, ये भी बना रहा हूँ, गलती से स्किप मत करना। बड़ा बुरा लगता है जब बच्चे नहीं होते हैं वहां पर, कोशिश करना जुड़ने की। ओके, इसके बाद आज 12:30 बजे का सेशन है, पूरा प्रॉपर डिटेल्ड स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे SBI क्लर्क प्री एंड मेंस को ध्यान में रखते हुए। ये एक सेशन मैंने लिया, इस सेशन को आप जरूर देखना, पाकिस्तान पर क्यों इंडिया ने दागी मिसाइल, सेशन हो चुका है ये, आप लोग कल रात को मैंने सेशन किया था 12 बजे लाइव आके, इस सेशन को भी देखना एक बार। ओके, बाकी जो बच्चे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जिनको टेस्ट सीरीज में एनरोल कराना, आज के लिए प्राइम टेस्ट पैक फिर दोबारा से वापस है मेरे दोस्त। कोड आप याद करेंगे Y168S। किसी भी टेस्ट सीरीज में एनरोल कराना है, प्रिंटेड बुक चाहिए, ई बुक चाहिए, कोड मेरा होता है Y168S। बट लाइव क्लासेस के लिए, बैंक महापैक के लिए वो कोड होगा Y168। ओके, कभी भी बैंक महापैक लेना है, लाइव क्लासेस लेनी है, Y168 कोड लगाना, टेस्ट सीरीज ई बुक्स और बुक्स लेनी है, प्रिंटेड बुक्स लेनी है, Y168S कोड। ओके, अब जरा समझना ध्यान से, बैंक महापैक है क्या? अच्छा, एक और इवेंट क्या, 13 मार्च को कल सुबह 11 बजे है हमारा, ठीक है, अड्डा का महोत्सव, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। अब जरा समझना मेरे भाई, बैंक महापैक और बैंक महापैक प्लस में अंतर क्या है, एक मिनट दिखा देता हूं आपको वेबसाइट पर ले चल के। आप यहाँ पर वेबसाइट पे जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पर आप जाना है इसमें स्टोर में, जैसे आप स्टोर में जाते हैं आपको लाइव क्लासेस में जाना है। लाइव क्लासेस में जैसे ही आप जाएंगे, लाइव क्लासेस पे क्लिक करना, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, एक बैंक महापैक जो बैंक की तैयारी करे, बैंक महापैक जो SSC की तैयारी करे, SSC महापैक। फॉर एग्जाम्पल बैंक महापैक की बात कर लेते हैं, बैंक महापैक में है क्या, बैंक महापैक में आपको सभी तो बैंक एग्जाम मिलते हैं, उनका प्रीलिम्स मेंस डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा, हर एक फैकल्टी के सारे बैचेस मिलेंगे, ऑल बैचेस मिलेंगे आपके, सारे के सारे बैचेस, कंप्लीट बैचेस मिलेंगे। इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, ये वैलिडिटी है। 6 महीने का वाला चाहिए आपको, 12 महीने की तक क्लास चाहिए, 24 महीने तक। दूसरा, सारे फैकल्टी के सभी बैचेस मिलेंगे, फाउंडेशन हो, क्रैश कोर्स हो,
ऑल बैंक एग्जाम कवर होंगे, जितने भी बैंक एग्जाम है, इंश्योरेंस एग्जाम है, उनका प्री और मेंस और मेरे पास इंटरव्यू डिस्क्रिप्टिव थी की, और प्लस सारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो कंप्लीट है यार, ये फाउंडेशन बैच है, मतलब कंप्लीट एक पैकेज है जिसमें आपको सब कुछ मिलता है। इसके लिए आपको जो कोड लगाना है दोस्त, इट विल बी Y168। ओके, आई थिंक चल नहीं रहा अभी, ये आ गया Y168। जैसे ही आप ये कोड इंप्लीमेंट करेंगे Y168 मेरे दोस्त, ये आपको पड़ेगा 4139 का। लेकिन आप एप्लीकेशन से लेंगे ना, एप्लीकेशन से तो यही आपको पड़ेगा बेटा 3900 का, 12 महीने वाला, 24 महीने वाला और सस्ता पड़ेगा। ऐप में क्या होता है ना, अब जब ऐप से बाय करते तो वहाँ एक ऑप्शन आता है कॉइन का, जैसे आप Y168 कोड लगाएंगे, Y168 कॉइन का ऑप्शन आएगा, कॉइन पर टिक कर देना, ये 100 से 150 रुपये और सस्ता आपको पड़ जाएगा। सारी लाइव क्लासेस में मिलेंगी। अब बैंक महापैक प्लस में क्या अंतर है, देखो RBI ग्रेड भी आने वाला है, सिड भी आ चुका है, ऐसे में बैंक महापैक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती। क्यों? इसमें आपके 5 एडिशनल एग्जाम और कवर होंगे, IBPS SO, PSB SO, RRB SO प्लस RBI ग्रेड भी, SEBI ग्रेड है, NABARD ग्रेड है भी, और SIDBI ग्रेड है। जो SIDBI का एग्जाम है मेरे भाई, वो इसमें कवर होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने आपको दिखाया था ये सारे पैकेजेस के बारे में, जरा देखना ये वाला पैकेज हम लोगों का जो है, ये SIDBI ग्रेड ए आपको ये बैंक महापैक प्लस में मिलेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने यह मेंशन किया ना, देखो देखा लिखा है यहाँ पर क्लियर कि बैंक महापैक प्लस में आपके 5 एग्जाम और एडिशनल कवर होते हैं, SO, RBI ग्रेड बी, ये वाले SIDBI से भी। तो आप अगर इनरोल कराए तो दोस्त इसमें इनरोल कराइएगा, क्योंकि इसमें भी सेम ऑप्शन है, 6 महीने, 12 महीने, ठीक है, इस तरीके से 24 महीने, तो फिर क्यों ना इसमें इनरोल कराए, इसमें तो 5 एग्जाम और हमारे कवर होंगे, और अगर आप इन 5 एग्जाम के लिए जा रहे हैं तब, ठीक है, डन, ठीक है, क्लियर मेरे दोस्त। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। बाकी वॉरियर बैच भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉरियर बैच मेरा कौन सा, जिसके बारे में मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इवन मंथली करंट अफेयर्स बैच भी हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, मंथली करंट अफेयर्स बैच 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इसमें मंथली करंट अफेयर्स में आपके कंप्लीट करूंगा। इसके अलावा दोस्त ये रहा वॉरियर बैच, वॉरियर 1.0, इसमें मैंने इंडियन बैंकिंग सिस्टम की 3 क्लासेस करा दी हैं, RBI की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, गवर्नमेंट स्कीम की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, और भी गवर्नमेंट स्कीम के सेशन लेंगे, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की 2 क्लास होती है, मैं 3री क्लास और आज 4थी क्लास भी कराऊंगा। काफ़ी कुछ चीज़ें एडिशनल भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंप्लीट पैकेज है फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। सेम कोड है Y168, ये पड़ेगा आपको 968 का, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज 12 बजे मुलाकात करते हैं, आई होप यार आपके पास बैंक महापैक या बैंक महापैक प्लस में से कोई एक पैकेज जरूर होगा, फाउंडेशन बैच सभी फैकल्टी के सभी बैचेस उसका पार्ट है। ओके, तो आज 12 बजे मुलाकात करते, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए अपने, बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।